पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई का दायरा और बढ़ा दिया है। रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापनों पर 67 न्यूज़पेपर में बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी है। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने FMCG कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ा रुख अपनाया। वही 3 केंद्रीय मंत्रालय से जनता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे चलन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। इस बीच योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के बालकृष्ण ने कोर्ट में सार्वजनिक माफी का जिक्र किया, जिसके बाद जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ को बताया गया कि भ्रामक विज्ञापनों पर 67 समाचार पत्रों में बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांग ली है, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि अखबारों में प्रकाशित सार्वजनिक माफी रिकॉर्ड पर नहीं है, ये 2 दिन के भीतर दाखिल किया जाए। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख निर्धारित की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा केवल पतंजलि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक इस्तेमाल के सामान बनाने वाली FMCG सभी कंपनियों तक फैला हुआ है। ये भ्रामक विज्ञापन जारी कर रही है और जनता को धोखा दे रही है। खासकर नवजात बच्चों, स्कूल जाने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। ऐसे में गलत बयानी के आधार पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि हमें ये स्पष्ट करना चाहिए कि हम यहाँ किसी विशेष पार्टी या किसी खास एजेंसी प्राधिकारी के लिए बंदूक चलाने के लिए नहीं आए हैं। ये एक जनहित याचिका है और उपभोक्ताओं के व्यापक हित में जनता को पता होना चाहिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है, उसे कैसे और क्यों गुमराह किया जा सकता है, अधिकारी इसे रोकने के लिए कैसे काम कर रहे हैं। पीठ की फटकार से अच्छी अच्छी कंपनियां ट्रैक पर चलने लगी है। वहीं रामदेव बाबा ने भी माफी मांग ली है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब आगे कोर्ट क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।